या गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी वंस अगेन एंड मेटावर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है क्रूड ऑयल। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि क्रूड ऑयल ट्रेड किसको करना चाहिए। देखो, जो ट्रेडिंग सीख रहे हो या नए लोग हो या पुराने लोग हो, जो भी ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे और पोजिशनल वीकली जो भी करना चाहते हो, आप सभी कर सकते हो। इसमें इंडिया में आप क्रूड ऑयल ट्रेड आसानी से कर सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन में। बेस्ट पार्ट ये है कि इसका सारा जो ट्रेडिंग का जो वॉलेटिलिटी या इसका जो टाइम जब स्टार्ट होता है वो इवनिंग के टाइम पे ज़्यादा अच्छा होता है, आफ्टर 5 और 6 के बीच में। तो जो लोग जॉब करते हैं 9 to 5 वाला, या दोज पीपल वो आर नॉट हैविंग ए टाइम इन मॉर्निंग, और फुल टाइम ट्रेडर जो मॉर्निंग में अच्छा कर लेते हैं और शाम को भी उनको करने की इच्छा है, तो उन सभी के लिए इवनिंग ट्रेड में क्रूड ऑयल इज द बेस्ट ऑप्शन। उसके अलावा गोल्ड, नेचुरल गैस और भी हैं जो मैं एक एक करके आगे आने वाले दिन में कवर करूंगा, बट आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल की। देखिए, क्रूड ऑयल इज ग्लोबल कमोडिटी, मतलब क्रूड ऑयल आपको पता है, क्रूड ऑयल जो क्रूड ऑयल मैन्युफैक्चरर हैं वो हर कंट्री में क्रूड यूज होता है। आज इस वर्ल्ड का कोई भी आदमी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्रूड से कनेक्टेड है, बिना क्रूड के ये दुनिया मतलब एक बार जाम हो जाएगी, ऐसा ही समझ लेते हैं। क्रूड वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रेड की हुई की जाने वाली मतलब कॉमन कमोडिटी है, ठीक है। लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है, वॉलेटिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, और इसमें आपको थोड़ा सा इंडेक्स और इक्विटी से अलग आपको देखने को मिलेगा, वो जो रहेगा मैं आगे बताने वाला हूँ। अगर आप चाहो तो इसको आप डेली मॉनिटर करो इवनिंग टाइम में, रात को 10:30-11 बजे तक, 11:30-11 के आसपास आपको इसमें टाइम मिलता मौका मिलेगा। समटाइम 10:30-11 पे ये थोड़ा साइडवेज हो जाता है, बिकॉज इसका रीज़न ये है कि जब ये ओपन होती है इंडिया में 9 o'clock ये साइडवेज होती है। इसकी वॉलेटिलिटी एक फिक्स टाइम के आसपास इंक्रीज होती है जब US मार्केट ओपन होता है, यानी कि इवनिंग टाइम पे अगर हम बात करेंगे, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो ये एक इसका ये है कि ये कॉमनली इसका फंडामेंटल मैप करना बहुत ईजी है। मान लो किसी कंट्री में कोई वॉर की सिचुएशन आ रही है तो क्रूड के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, ग्लोबल जियो पोलिटिकल इश्यूज पे क्रूड के प्राइस इफेक्ट होते हैं। तो फंडामेंटली आप आसानी से पता लगा पाओगे कि क्रूड अब किस मोमेंटम की तरफ चेंज हो सकता है, लिक्विडिटी कहाँ से स्वैप करेगा, ब्ला ब्ला। पहली बात तो देखना ये कि क्रूड को कंट्रोल कौन करता है, ये क्रूड ऑयल होता क्या है। देखो, क्रूड ऑयल 3 तरह के होते हैं, दुबई क्रूड, ब्रेंट क्रूड एंड WTI, वेस्टर्न टेक्सस इंटरमीडिएट ब्रेंट ऑयल। ब्रेंट यूरोप और अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ से माना जाएगा, और आपका WTI अमेरिकन कंट्रोल। तो ये कंट्रोल कौन करता है, ओपेक प्लस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोलियम कंट्रीज हैं, जो प्रोड्यूसर हैं उनका एक ग्रुप है, जिसके अंदर मोटा मोटा सारे मैंने कंट्रीज यहाँ पे PPT में लिख रखे हैं। मैं ज़्यादा इस पे PPT पे रीड करने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मोटा मोटा मैं आपको एक फंडामेंटल बताना चाहूँगा इसका एक सुपरफिशियली। कि ये जैसे मान लीजिए अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, इक्वाडोर, ये ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड वेनेजुएला, इन सब का एक ग्रुप बना हुआ है जिसको ओपेक और ओपेक प्लस बोला जाएगा, ठीक है। तो ये लोग जो होते हैं ये कंट्रोल करते हैं प्राइस को डिमांड सप्लाई के हिसाब से मैनेज करने के लिए, ठीक है। अब एक सवाल सबके पास आता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके पास सबसे बड़े रिजर्व हैं आज की तारीख में भी, वो है यूनाइटेड स्टेट। इंडिया के अंदर कौन से क्रूड हमारे मतलब ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो हमारे यहाँ ट्रेडिंग होती है WTI के कंपैरिजन में। अगर आप WTI और क्रूड का चार्ट साथ में लगाओगे तो आपको एक जैसा दिखेगा। अब प्रोड्यूसर्स कौन कौन सबसे ज़्यादा करता है, तो यूनाइटेड स्टेट 44.5% करता है, रशिया इज अराउंड 13.1, सऊदी अरेबिया 12.21, कैनेडा, इराक, तो ये बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं ये प्रोड्यूस करती है। और ओपेक लगभग 50-60% जो प्रोडक्शन है वो ओपेक प्लस के अंदर आता है। सबसे मेन चीज ट्रेडर को क्या जानना, देखो ट्रेडर को क्या है कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये तो पता है, चलो ठीक है, बट मेन चीज़ जो है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं विच एलिमेंट्स इफेक्टिंग द क्रूड ऑयल प्राइजेस। कोई न्यूज साइकिल्स हैं, कोई पॉलिसी में चेंज है, सप्लाई या डिमांड का गैप है, कंज्यूमर डिमांड बढ़ गई है, कम हो गई है, सप्लाई कम हो गई, बढ़ गई है, पॉलिटिक्स और रिपोर्ट्स। अभी मैं आगे बताने वाला हूँ ये कैसे कैसे इफेक्ट करती है। देख लीजिए कि जैसे कि अभी रशिया ने बोला कि मैं अब क्रूड ऑयल पे डिस्काउंट दूंगा, जिसको लेना आ जाओ। इंडिया को बहुत अच्छा डिस्काउंट भी दे रहा था, तो इंडिया ने रशिया से लेना चालू किया $60 पे। तो जब रशिया ने 60 चालू किया तो प्राइस फॉल होने लगे, जबकि वॉर की सिचुएशन में क्रूड का प्राइस अप होता है। कुछ सालों पहले क्रूड हमारा $100 के आसपास हुआ करता था, अभी वो 67 से जंप लिया वापस, अभी 80 के आसपास आया।
क्रूड में जो एक वॉलेटिलिटी चल रही है वर्ल्ड की एक जियो पोलिटिकल स्थिति की वजह से, उसमें रशिया का एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है कि उसने क्रूड को नीचे गिराया। बट ठीक है, अभी वापस कंट्रोल होकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब इसमें हर वेडनेसडे को शाम को 8 बजे इन्वेंट्री रिलीज होती है, जिसके अंदर हम बोलते हैं वीकली इन्वेंट्री रिपोर्ट आती है। अब वो डिपेंड करता है सिचुएशनली कहाँ से आती है कैसे आती है। अगर डिमांड सप्लाई का गैप है और डिमांड यानी कि इन्वेंट्री कम हो गई है, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस अप होता है, वाइस वर्सा। भाई डिमांड नहीं आई और सप्लाई भी इंटैक्ट है या सप्लाई इंक्रीज हो गई है तो प्राइस नीचे होगी। तो इस तरह से चीज़ें मैनेज होती है। देखिए, आज सब ओपेक वाले बोल देंगे हम प्रोडक्शन कम कर देंगे, हम जमीन में से तेल कम निकालेंगे, तो प्राइस कंट्रोल हो जाएगा। जस्ट लाइक टोमेटो, आज की तारीख में व्हाट हैपन इन टोमेटो, डिमांड इज सेम, इतने लोग थे उतने ही है, सब कुछ सेम है, तो सप्लाई इज डिक्रीज। व्हाई? बिकॉज सप्लाई इफेक्टेड थ्रू सम फ्लड्स। ये जो अपने यहाँ इंडिया में जो भी ये सब बारिश वगैरह हुआ है, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, इसलिए टोमेटो का जो सप्लाई है वो कम हुआ है, डिमांड उतना ही है। कई बार क्या होता है, सप्लाई बराबर है, डिमांड बढ़ गया। तो ये जो फ्लक्चुएशन एंड यू नो गैप जो होते हैं सप्लाई डिमांड के, उसके हिसाब से प्राइस फ्लक्चुएट करती है। तो क्रूड की इन्वेंट्री आती है शाम को 8 बजे। अब उसके पहले मूवमेंट आना चालू हो जाता है। अगर आप डेली चार्ट्स वगैरह रीड करोगे, कुछ 1-2 महीने आपको इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, आपको रेगुलर इसको देखना पड़ेगा, तब आपको पता चल जाएगा कि क्रूड में चलता क्या है। अच्छा, यहाँ पे क्रूड ऑयल आप ट्रेड कर सकते हो M6 के फ्यूचर और ऑप्शन दोनों के लॉट में। क्रूड का एक मिनी लॉट भी चलता है, 10 क्वांटिटी होती है जिसमें, एक एक के अंदर एक होता है, 1 लॉट 100 क्वांटिटी वाला भी होता है, लार्ज वाला। इसमें मंथली एक्सपायरी फ्यूचर और ऑप्शन दोनों की मिलेगी आपको, अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। 17 to 22 के बीच में इसकी मंथली एक्सपायरी हो जाती है। अब आप इसकी न्यूज़ कहाँ से ट्रैक करोगे? देखिए, investing.com ये सबसे बेस्ट मानता हूँ मैं, कि आप कोई भी, चाहे कोई भी मार्केट हो, वर्ल्ड के मार्केट, इंडियन मार्केट भी आ गए इसमें, investing.com पे आपको सब कुछ मिल जाता है। इकोनॉमिक कैलेंडर मिल जाएगा, फंडामेंटल न्यूज़ मिल जाएगी, और एक रिग अकाउंट ये करके जो मैंने लिंक दे रहा हूँ, ये PPT आपको मैं शेयर कर दूंगा मीटिंग के बाद, आप इससे भी आप पता लगा पाओगे कि क्रूड की और क्या इन्फॉर्मेशन चल रही है। डेली न्यूज़ देखिए, इनकी न्यूज़ को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, जैसे हम मार्केट के भी करते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है क्रूड में, डिमांड सप्लाई के क्या क्या पा रहे हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये एक क्रूड पे मैंने एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया है। अब क्रूड ऑयल की एक्सपायरी के बारे में मैंने बताया, क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री के बारे में मैंने बताया। आप अगर अच्छे न्यूज़ लेटर ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्रूड ऑयल में आपको किस तरह से आगे काम करना है। तो ये तो एक क्रूड ऑयल का छोटा सा ब्रीफिंग मैंने दिया है। अब अपने को करना क्या होता है, देखिए, याद होगा आपको मैंने थोड़े दिन पहले एक इन्फॉर्मेशन दी थी यहाँ पे, ये है आपका 12 जुलाई का ये एक नोटिफिकेशन दिया था, तब क्रूड का प्राइस चल रहा था 6190। हालांकि हम तो 5700, हमारे जो मेटावर्स कम्युनिटी के मेंबर हैं उनको मैंने 5700 से बोल रखा था, बट मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि 6190 ये वीकली बेसिस पे जाएगा 6600 और 6500 के आसपास। आप देख रहे हो आ गया प्राइस, ठीक है, प्राइस हैज टच 6600 नाउ। अब आगे क्या, बट उसके पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि क्रूड ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं। देखो, मैंने जेरोदा के अंदर भी आप क्रूड कर सकते हो, आप एंजल, जेरोदा एंड एनी इंडियन ब्रोकर, यू कैन ट्रेड क्रूड इन फ्यूचर एंड ऑप्शन। जेरोदा में क्या रहेगा, आपको कमोडिटी सेक्शन जो रहेगा वो अलग से एक्टिव करना पड़ेगा। बाकी जो दूसरे ब्रोकर हैं, एंजल, फायर्स, ब्ला ब्ला, मैं यहाँ पे किसी को प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई भी जो दूसरे ब्रोकर हैं अपार्ट फ्रॉम जेरोदा के अलावा, जो आपको कॉमन फंड से ही निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड सब कर सकते हो, बट जेरोदा के अंदर आपको क्रूड कमोडिटीज़ जो आप ट्रेड करोगे उसका वेरिफिकेशन अलग से करना पड़ेगा, ऑथोराइजेशन अलग से होगा, सेपरेटली होगा, एंड फंड भी आपको अलग से रखना है। तो ये आप ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्रूड के चार्ट पे, थोड़ा सा हम चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं मैंने क्या लगा रखा है। देखो, मैं आपको एक सेटअप देने की कोशिश करता हूँ जो आपको इसी के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी आप यूज़ कर पाओगे, कहीं भी यूज़ करिए। देखिए, मैंने 2-3 सेटअप लगा रखे, बहुत सिंपल है, मैं 3 ही बता रहा हूँ, बिकॉज आप देखेंगे ट्रेडिंग व्यू फ्री में 3 इंडिकेटर लगाने देता है। मैंने सबसे पहले लगा रखा है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। देखिए, प्राइज एक्शन अगर आप समझ रहे हो, प्राइज एक्शन नए लोग को अभी धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, प्राइज एक्शन अगर आप जानते हो सप्लाई डिमांड जोन, तो प्राइज एक्शन का सबसे बढ़िया इंडिकेटर करके बात करूँ मैं आज की तारीख में मार्केट में, वो है लक्स एल्गो का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये काम कैसे करता मैं ये बता देता हूँ आपको पहले। देखिए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मैंने लगा दिया, डिफॉल्ट रखा है, मैंने कोई सेटिंग चेंज नहीं करी है, तो मैं दूसरे जो 2 है वो एक बार हटा दूंगा, ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मैंने लगा दिया। अब ये एक सप्लाई डिमांड जोन जो है उसको लगाया इसने इस तरह से,
अब आप देख पाएंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये स्ट्रॉन्ग लो है। मार्केट कभी भी अगर स्ट्रॉन्ग लो पे आता है तो वहाँ पे एक बार पुल बैक आएगा, बाइंग प्रेशर आएगा और बाइंग जोन बना जाएगा। उसी तरह से ये वीकली हाई है, अगर इसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जोन आएंगे जहाँ मार्केट अपनी नई एक दिशा पकड़ेगा या नया ट्रैवल चालू करेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज होता है विच इज 648 या जो भी आप देख पा रहे हैं लेवल जो है 683 6, ये डेली चार्ट है इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि डेली क्लोजिंग अगर ये आएगी तो मार्केट वापस एक बार जाएगा 77 लेवल को टच करने। यस, मैंने टारगेट लिया था 6600 का जो ऑलमोस्ट आ चुका है। अगर ये अब होल्ड करेगा जो कि कर रहा है एज ऑफ नाउ, आई एम लुकिंग दैट ये 68 और 67000 के बीच में जाएगा। बट इफ यू सी क्रूड क्लोजिंग डेली क्लोजिंग अबाउ 6800, दिस विल लीड टू 7200। तो इस तरह से क्रूड 300-400 पॉइंट के ट्रैवलिंग करता रहता है। तो आप देख पा रहे हैं क्रूड का ये डेली चार्ट, मैं इसको इंट्राडे में कैसे लगा के देखूंगा मैं वो भी दिखा दूंगा। देखिए मैंने इंट्राडे चार्ट लगाया है, 30 मिनट यूज करता हूँ मैं इंट्राडे के लिए। एंड आप भी कोशिश करिए धीरे धीरे अपनी लाइफ में 30 मिनट टाइम फ्रेम या बड़ी टाइम फ्रेम पे लाइए, एनालिसिस जरूर करिए। तो ये मेरा 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, टाइम पास हो रहा है पूरा। अब यहाँ के ऊपर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। तो अभी फिलहाल क्रूड इसी जोन में ट्रेड कर रहा है और नीचे आएगा तो ये जोन है। तो ये जोन्स बने हुए हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको ये सेटअप बैंक निफ्टी पे भी लगा के दिखाने वाला हूँ, बट अपन एक एक करके दूसरा कंप्लीट करता है। अब एक मैं लगाऊंगा रेंज सेंटिमेंट प्रोफाइल, आप यहाँ टाइप करेंगे रेंज सेंटिमेंट प्रोफाइल लक्स एल्गो। अब होगा क्या, इसके अंदर अगर आप लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए इंस्टीट्यूट जो है वो रेंज को प्ले करते हैं, कैलेंडर को प्ले करते हैं, यानी मंथली हाई, वीकली हाई, प्रीवियस डे लो, यस्टरडे लो, वी वैप्स और रेंज। अभी देखेंगे कि क्रूड की जो रेंज बनी हुई है ये बनी हुई है। अब जब तक ये रेंज का कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं आएगा क्रूड यहीं ट्रैवल करता रहेगा। तो इस तरह से आपको ये रेंज प्रोफाइल जो है ये पता चल गया। अब इसमें आप ये जो ब्लू कलर का लाइन देख पा रहे हैं, दिस इज काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ कंट्रोल, मतलब मार्केट सबसे ज्यादा इस प्राइस पे होल्ड कर रहा है, उसके बाद कौन सा प्राइस है ये आ रहा है, तो उसके बाद कौन सा आ रहा है। जैसे कि इस मार्केट में कोई भी मार्केट होता है सपोर्ट 1 2 3 होता है, रेजिस्टेंस 1 2 3 होता है, ठीक है, कभी भी एक सपोर्ट नहीं होता है, बहुत सारे मल्टीपल सपोर्ट हो सकते हैं और रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो फिलहाल के सपोर्ट रेजिस्टेंस ये मल्टीपली ये बने हुए हैं। अगर आपको डिप में मिलता है और अगर आप ऑर्डर फ्लो यूज करते हैं जो हम लोग ट्रेड करते हैं, मान लीजिए मुझे लगता है सपोर्ट पे आया है, यहाँ पे हमने बाई भी किया था, कल की बात है ये, परसों की बात है, सपोर्ट पे आया है, बायर एक्टिविटी दिख रही है, आप बाय करो, रेजिस्टेंस पे आता है, सेलर दिख रहा है, सेल करो। ये इसी तरह से मार्केट में इंट्राडे चलता रहेगा। हमको कभी भी नया हाई देख के घुसना नहीं है, गलती वही होती है कि फ्रेश हाई बना है और सब कूद पड़े उसमें और वो रिवर्स हो गया, फ्रेश लो बना और कूद गए। मैं भी आपको बैंक निफ्टी में दिखाने वाला हूँ, राइट। तो रेंज सेंटिमेंट प्रोफाइल लगा दी और एक लास्ट इंडिकेटर है जिसको मैं बताता हूँ, बैंक निफ्टी वी वैप। देखिए ये हमारा मेंबर्स ने बना रखा है, देखो मैं बताता हूँ ये कैसे लगेगा, बैंक निफ्टी वी वैप। अब इसकी सेटिंग्स कुछ करनी पड़ेगी, उन दोनों में कुछ नहीं करना, वो डिफॉल्ट रहेगा। बैंक निफ्टी वी वैप क्लिक करेंगे 295 है, रितेश का ने बनाया हुआ, रितेश ने अनुष्का इनका ये बना हुआ है। अब इसके अंदर क्या होगा, आपको सेटिंग में जाना है बैंक निफ्टी वी वैप के अंदर। मैंने सेटिंग जो लगा रखी है, मैंने लगा रखी है वी वैप शो करिए। सबसे पहले मैंने इसको वीकली किया है, मैं जनरली वीकली वी वैप लगाता हूँ, इंट्राडे भी लगा सकते हो आप, डेली लगाना चाहो वीकली लगाना चाहो, बट वीकली इज कम्फर्टेबल फॉर मी, चलेगा। शो वी वैप, बाकी मैंने हटा दिया, शो प्रीवियस डे हाई लो एंड प्रीवियस डे क्लोज इन ओपन, ये चाहो तो लगा सकते हो आप, ठीक है, और बाकी मैंने सब अनचेक किया है। उसके बाद मैंने स्टाइल में गया हूँ, मेरे जो ये वी एफ वगैरह लगे हुए हैं इनका मैंने कलर जो मैं चार्ट के हिसाब से इसको सेट कर दूंगा और मैं इसको सेव कर दूंगा। ये तीन सेटअप हो गए मेरे पास, मुझे बस ये मिल जाते हैं तो बहुत है। अगर मैं ट्रेडिंग के नॉर्मल सेटअप की बात करूं, ये उनके लिए जिनको ऑर्डर फ्लो नहीं आता है, ऑर्डर फ्लो सीखना है तो हमारे साथ आप बाद में जुड़ सकते हो। मैं सेम सेटअप आपको एक बार बैंक निफ्टी पे लगा के दिखाता हूँ और देखते हैं ये कैसे लग रहा है। ये लीजिए, अब हम क्या देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने वीकली वीवेप से रिजेक्शन लेना चालू किया और अभी तक वो टाइम पास कर रहा है, नीचे ही कर रहा है। पुट कॉल रेशियो भी नेगेटिव है, जो मैं आपको मंडे से वापस रेगुलर हो जाएगा, बीच में बंद हो गया था, आपको पुट कॉल रेशियो रेगुलर मिलेगा पंकज भैया की तरफ से। तो ये देखेंगे आपकी यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है और वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब गलती से यहाँ बेच दोगे आप बिना कन्फर्मेशन के तो फंसोगे। तो ये एक सेटअप आपको बहुत ही हेल्प करेगा रेंज को आइडेंटिफाई करके पे करने के लिए। सप्लाई डिमांड जोन आ रहा है, ये रेजिस्टेंस एरिया दिखाई जा रहा है,
यहाँ पे आप देखिए इक्वल लो, अब प्राइस इसके ऊपर जा रहा है, ग्रीन होगा मतलब बार बार यहाँ से वो सपोर्ट ले रहा है मार्केट। ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आएगा ये ग्रीन हो जाएगा और ये प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। ये एक ऐसा प्राइस है जहाँ पे कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, प्राइस इसके नीचे जाने लगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट अपने कैरेक्टर को चेंज करता है। देखिए यहाँ पे इसके नीचे आया, कैरेक्टर चेंज हो गया है, अगर इसके ऊपर जाएगा तो कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। तो मार्केट इस CHOACH दिख रहा है आपको, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसके नीचे मार्केट गया, इसको ब्रेक किया, वापस इसके नीचे गया, अब ये एक रेंज के सपोर्ट पे खड़ा है और यहीं पे इक्वल लो भी बनाए। तो बिल्कुल ये ऐसा जोन है जहां पे मार्केट सपोर्ट लेगा। देखिए पहला सपोर्ट तोड़ा नीचे गया, पहला तोड़ा नीचे गया, दूसरा तोड़ा तो भी नीचे गया, थर्ड सपोर्ट पे आया, तो अब ये नहीं है कि हर सपोर्ट ब्रेक करेगा। उस वक्त हमने ये भी चेक किया था कि ऑप्शन चेन में वॉल्यूम्स कुछ खास नहीं थे, पुट कॉल रेशियो भी एक टाइम पास था, नेगेटिव था, बट वापस कुछ इंक्रीज मतलब नेगेटिव पोजीशन इंक्रीज नहीं हो रही है। जब आपको पता है कि नेगेटिव वॉल्यूम ऐड होना बंद हो गया है, और मैं अगर साथ में ये भी देखूं कि मेरा जो डेल्टा है ऑर्डर फ्लो का वो भी एक फ्रीज हो गया, अब ठीक है, अब ज़्यादा कुछ करने को नहीं बचा है, मार्केट में कोई नेगेटिव क्रिएशन नहीं आ रहा है और मेरा ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो मैं बाय करूंगा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो क्रूड से मैं आपको बैंक निफ्टी पे लाया हूँ टू जस्ट हैव एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सेटअप, मैं कैसे काम करता हूँ। देखिए हमने यहाँ पे बाय कॉल भी ले लिया था, अब आप देखेंगे कि मेरा ओपन इंटरेस्ट जो था वो थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है, मार्केट सपोर्ट पे खड़ा है, अब दो घंटा एक घंटे से मार्केट टाइम पास कर रहा है, वो सपोर्ट पे खड़ा है, कभी कभी जाके छोटा लो बनाता है डराने के लिए और नया डे लो बनाया और सीधा भाग गया ऊपर, हमने पूरी राइड ली है। तो आपको रेंज प्ले करना जरूरी है तभी जाके बात बनेगी। रेंज को इंट्राडे में आए हो तो इंट्राडे की रेंज का पता होना बहुत जरूरी है, पहले एक घंटे में मार्केट का हाई लो मार्क करके काम करोगे ज़्यादा आसानी होगी। एकदम हाई टूटा है घुसने का नहीं है, सोचना है कन्फर्म करके घुसना है, या लो ब्रेक हुआ है तो भी एकदम नहीं है, वैलिड करके घुसना है, कभी भी ट्रैप नहीं होना है। चलो अब वापस आते हैं क्रूड पे, मैं WTI वेस्टर्न टेक्सस इंडेक्स में इसको मॉनिटर करता हूँ, और इसलिए करता हूँ कि ये डॉलर का चार्ट है, क्रूड का चार्ट है डॉलर में। देखिए M6 पे जो हम क्रूड ट्रेड कर रहे हैं वो WTI के साथ बराबर चलता है, ये बात ध्यान रखना। अब इसमें क्या है कि मेरे को ये पता है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रेड होती है डॉलर के अंदर, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रेड होती है क्रूड में USD डॉलर के अंदर, इंडियन रुपीज में भी होती है, रशियन रूबल्स में भी होती है, चाइनीज युआन में भी हो रही है, हर कंट्री की करेंसी में ट्रेड हो रही है। क्रूड में ट्रेडिंग करने वाले बड़े बड़े कंट्रीज होते हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो ट्रेड होती है वो करेंसी है US डॉलर, और US डॉलर लीडिंग है, लीडिंग इन्फॉर्मेशन है। मान लीजिए कि WTI कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आने वाला है तो अपना इंडिया वाला भी चुपचाप आ जाएगा पीछे पीछे, ये हमने देखा हुआ है। अपना इंडिया वाला गैप अप गैप डाउन खुलता है वो 9:00 टू 11:30 के आसपास बंद हो जाता है, ये चलता है 24 आवर, WTI इज अ 24 आवर चार्ट, दिस इज 24 आवर, सैटरडे संडे ऑफ, अदरवाइज 24 आवर। तो मैं कई बार, हम लोग है ना हमारे कम्युनिटी में है मेटावर्स वाले, हम लोग कई बार WTI के चार्ट से पता लगा के हम इंडियन ट्रेड में पोजीशन लेते हैं, वहां पे हमको अच्छा सक्सेस मिलता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि WTI कोई मंथली, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, आई गिव एन एग्जांपल, WTI वीकली वीएफ से सपोर्ट लेके और एब्जॉर्प्शन आ रहा है, मतलब डेल्टा डाइवर्जेंस आ रहा था, हमने इंडियन क्रूड को देखा वो कहीं नहीं था, वो साइडवेज था, हमने देख लिया WTI में वॉलेटिलिटी आ रही है, तो हमने एंट्री ले ली इंडियन क्रूड में और हमको वहां पे ऑटोमेटिक हमारा फेवर में ट्रेड आने लगा। तो मैं WTI का चार्ट जरूर फॉलो करिए, आप भले एंट्री एग्जिट इंडियन क्रूड पे करिए, बट चेक करते रहिए कि क्या WTI का कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट आसपास में है। मान लीजिए इंडियन क्रूड गिर रहा है, WTI इज फॉलिंग, बोथ आर फॉलिंग, बट द एनीथिंग यानी कोई सपोर्ट है WTI का पास में, मंथली लो, मंथली वीकली लो, वीकली VWAP, एनीथिंग, तो आपको देखना है कि WTI यहाँ होल्ड कर रहा है। अब WTI रिवर्सल लेगा तो अपना इंडिया वाला भी रिवर्सल लेगा, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, अच्छी बात है, मुझे नहीं पता इस पर कोई वीडियो बना के दिखाएगा आपको कि नहीं दिखाएगा, पर WTI को फॉलो करना आपके लिए ज़रूरी है, अगर इंडियन में आप काम कर रहे हो तो WTI के लेवल भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। WTI आप ट्रेडिंग व्यू पे भी देख सकते हो, एंड देखिए आप ये है वीकली वेव, आप देख रहे हो मार्केट आया वीकली वेव पे जा रहा है, ये वापस वीकली वेव पे आया जा रहा है, तो इस तरह से आप WTI और क्रूड को साथ में मॉनिटर करिए, आपको आसानी हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ आपको ऑप्शन के अंदर लेके, देखिए आप इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, आप हमेशा ATM में करिए, और इफ़ यू आर कन्फर्म
दैट आई कैन गेट 100 पॉइंट्स बिलो और अबो गारंटी, मुझे 100 पॉइंट मिलने वाले हैं, तब जाके आप ओटीएम लीजिए 50 पॉइंट का, 100 पॉइंट का, सॉरी इसमें है ना 100 पॉइंट के लेंगे आप। जैसे कि मान लीजिए क्रूड का जो प्राइस चल रहा है अभी, क्रूड प्राइस है 6600 फॉर एग्जांपल, तो 6700 800 ऐसा लेंगे, 6750 6850 इसमें मत जाना, लिक्विडिटी बहुत मज़ा नहीं आएगा उसमें, उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा आपको। 6600 चल रहा है, यू आर श्योर अबाउट द मूव, गो फॉर 100 पॉइंट ओटीएम, दैट्स इट। एंड यू आर स्कैल्पिंग, डूइंग स्कैल्पिंग, यू वांट ओनली 50-100 पॉइंट्स, देन गो 50-70-80 पॉइंट्स, गो फॉर एटीएम। अभी क्या प्राइस चल रहा है, अभी चल रहा है 18,000 में एक लोट आएगा, यानी कि एक क्वांटिटी 100 रुपीज़ की है, तो एनी 1 रुपी मूवमेंट विल गिव यू 100 रुपीज़। मान लीजिए आपने क्रूड ऑयल का सी लिया है 81 पे, यानी 18,100 में ये आपको एक सी मिलेगा। अगर मैं इसमें बाय करने की बात करता हूँ तो मुझे कितने में आ रहा है ये देखिए, मेरे को एक लॉट मिल रहा है 18,000 रुपीज़ में, मेरे चार्जेस है 35 रुपीज़ जो एक ऑप्शन के अंदर लगते हैं। अब एक लॉट लेता हूँ तो मुझे 18,000 आ रहा है। अब मान लीजिए मुझे 1 रुपीज़ मूवमेंट मिलता है ऑप्शन में, तो आई विल गेट 100 रुपीज़। बैंक निफ्टी, यानी कि मैं यहाँ बताता हूँ, अगर आपने 50 पॉइंट क्रूड के ले लिए तो बैंक निफ्टी का अगर जब 25 का लॉट था ना, उसके हिसाब से आपको 4 पॉइंट बैंक निफ्टी के मिल गए, अभी तो 15 का लॉट हो गया है, यानी 100 पॉइंट क्रूड के आप आराम से डेली ले सकते हो 2-3 ट्रेड के अंदर। 100 पॉइंट क्रूड इक्वल टू 400-500 बैंक निफ्टी पॉइंट। हमने लगभग कभी कभी हम 70-80-90 पॉइंट डेली ले लेते हैं इंट्राडे स्कैल्पिंग, एंड कभी कभी हम 200-300, डिपेंड, वॉलेटिलिटी अभी इंक्रीज हो गई मार्केट की, हालांकि सारे वर्ल्ड मार्केट की वॉलेटिलिटी अभी इंक्रीज होने लगी है, तो फायदा मिलेगा, और इंट्राडे में वॉलेटिलिटी चाहिए हमको। तो क्रूड ऑयल WTI, और मैंने ये पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगा आफ्टर दिस मीटिंग माई टेलीग्राम, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको कमेंट्री के थ्रू बताता रहूँगा। क्रूड की मैं डेली क्रूड के लगभग सारे लेवल शेयर भी करता हूँ, स्विंग लेवल भी शेयर करता हूँ, आप नज़र रखिए हमारे क्रूड ऑयल स्केल लेवल पे और उस हिसाब से आप ट्रेड करिए। जैसे कि एडवांस में बताया था, और हमारे यहाँ कुछ 5600 से एक्टिविटी चालू हो गई थी, और अभी 66 का टारगेट आ गया, अब एक रेजिस्टेंस पे आया है। अब अगला वीक क्या रहेगा उस पर हम नज़र रखेंगे और देखेंगे आगे किस तरह से मूवमेंट आते हैं। चलिए, सो आई होप गाइस ये आपको इन्फॉर्मेशन क्रूड पे अच्छी लगी होगी। अब मैं फटाफट कुछ क्वेश्चंस लूंगा 10-15 मिनट के लिए बिफोर क्लोजिंग, एंड यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, मैं भी अनम्यूट कर दूंगा आपको। तो पहले तो बताओ ये आपको कैसा लगा, अब आप चैट भी कर सकते हो, मैं चैट बॉक्स भी ओपन करने वाला हूँ। सर गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर, और आपको पिछले मेटालाइट का भी पहले मेंबर था और बहुत दिनों से, थैंक यू कि इतना फ्री में बताते हो कि बहुत, जैसे मैं भी हूँ कि मतलब क्लास ज्वाइन करने की भी कई बार जरूरत नहीं होती है, अगर थोड़ा सा भी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जी ये जैसे WTI का बताया ना, वैसे ही मैं NATG का करके नेचुरल गैस, ओके, कितना बेनिफिशियल रहेगा, और क्या ये ट्रेडिंग व्यू पे आपका सेट करके ये पॉसिबल है? जैसे क्रूड का आपने डिटेल बताया, वैसे थोड़ा सा गैस ठीक है, थैंक यू। तो कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट संडे नेचुरल गैस पे आपके लिए कुछ प्रोग्राम बनाने की। हाँ, नेचुरल गैस भी बहुत अच्छा है, बट अगर आप एक चीज देखिए, नए हैं खास करके, और आपको फिक्स इंट्राडे वॉलेटिलिटी चाहिए, और क्रूड नेचुरल गैस से ज्यादा थोड़ा इजी रहेगा स्कैल्पिंग करने के लिए। देखो स्कैल्पिंग मीन्स 30-40 पॉइंट्स लिए, एक लॉट पे 4-5 हज़ार बन गए, फिर दूसरा दो ट्रेड लेना है, और दो ट्रेड में 10-15 हज़ार एक लॉट पे बन जाते हैं, उस प्लान से घुसना है तो क्रूड इज द बेस्ट। नेचुरल गैस डेफिनेटली मोर लिक्विडिटी, एक पॉइंट पे 1250 रुपये मिलता है, तो आप गैस भी कर सकते हो, दोनों तरफ कर सकते हो, ये कोई ऐसा नहीं है, जैसा आप कर सकते हो। तो बिल्कुल मैं गैस से प्रोग्राम है कि जस्ट अपोजिट चलता है और अगर चल रहा है तो चलता है। देखो ये दोनों है ना, देखिए ये दोनों एनर्जी इंडेक्स हैं, ठीक है, अपोजिट चलते हैं, बट कभी कभी साथ में भी चलते हैं। अब मान लो कोई एनर्जी क्राइसिस आएगा ना, तो फिर ये एक साथ, जब ये फिक्स रेंज में होते हैं तो अपोजिट चलते हैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो ट्रेडर होते हैं वो दोनों तरफ घुमाते रहते हैं इसको। तो आपकी बराबर बिल्कुल सही बात है, बट कभी कभी ऐसा नहीं होता है, एक्सेप्शनल केस में ये दोनों एक साथ भागते हैं या एक साथ टूटते हैं, राइट। तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम मैं आपको नेचुरल गैस पे, अगला वेबिनार नेचुरल गैस पे करने की, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू सर।
बिल्कुल, मैं इसकी रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे दूंगा। अरे यार भाई, यूट्यूब पे कुछ कमेंट कर देना, कुछ मोटिवेट कर देना, अगर आएंगे तो आगे भी करते रहेंगे यार आप जैसे। देखिए, मिनी लॉट जो है आपको लिखना पड़ेगा क्रूड मिनी, हालांकि मैंने कभी ट्रेड नहीं किया, तो आपको ब्रोकर में मिल जाएगा। आप मिनी लॉट भी कर सकते हो, 2-3 हज़ार में भी ले सकते हो क्रूड को। ऐसा नहीं है कि भाई आपको बड़े बड़े पैसे लगाने। एक चीज का ध्यान रखना, बहुत डेंजरस है मिनी लॉट। ना ना, ऐसा कुछ नहीं सर। एक चीज का ध्यान रखना कि मंथ अगर नया स्टार्ट होगा, जैसे इसका मान लो 22 को एक्सपायरी है, तो 23 से जब नया मिलेगा तो ऑप्शन शुरू में थोड़ा महंगा पड़ता है। मंथली एक्सपायरी पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो थोड़ा सा आपको सस्ता मिलेगा। बिल्कुल, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। और इसमें आप सेलिंग भी कर सकते हो, आप इसको सेलिंग भी कर सकते हो। अच्छा, कौशिप डोन जी का सवाल है। देखिए, इसका कोई ऑप्शन चेन का ऐसा मैं नहीं मानता, इसका ऑप्शन चेन सही में अगर मॉनिटर करना है तो नाइमेक्स पे मिलता है अमेरिका में। तो इंडिया वालों के लिए मुझे लगता है आप प्राइस एक्शन से और ऑर्डर फ्लो से ट्रेड कर लो, बहुत है। ठीक है, इसका ऑप्शन चेन में देखो, ज्यादातर इसमें लॉट जो है ना फ्यूचर के ट्रेड होते हैं, ऑप्शन तो इंडिया वाले आजकल करते हैं। मैं मानता हूं आप इसमें प्राइस एक्शन और ऑर्डर फ्लो यूज करके ट्रेड करो, ऑप्शन चेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, मैं रुपेश जी, मेरे हम लोग इवनिंग में भी ट्रेड करते हैं लाइव, और क्रूड में भी हमारा चलता रहता है, बाई सेल हम चलाते रहते हैं, सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड होते रहते हैं, तो इवनिंग में भी हमारे जो टाइटेंस ग्रुप में उसमें चलता रहेगा। बिल्कुल, अगर आप हमारे मेंटरशिप में आते हो तो होगा, और ऐसा नहीं मेंटरशिप में तो मैं वैसे भी देखो फ्री चैनल में मेरा लेवल आता ही आता है, डेली में लेवल देता हूं। अब मेरे साथ रहना है तो बात अलग है। यस, ऑप्शन चेन है धन का, बट मैं मानता हूं कि इंडिया की ऑप्शन चेन देखने से बढ़िया है आप WTA को फॉलो कर लो, उसके चार्ट को देख लो, उधर जो पहले दिख जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि वहां पे आपको एक्शन दिख गया है, यहाँ पे नहीं आया, मतलब आप एडवांस में एंट्री ले सकते हो। ये बहुत बढ़िया चीज है, प्रैक्टिस करने से पता चलेगा। नीलेश कुमार जी, इसका मिनिमम कैपिटल पर लोट ऑप्शन में अभी 18,000 में आ रहा है, जब मंथ स्टार्ट होता है तो 35-40, मतलब 40,000 से लेकर 20,000 के बीच में चलेगा। जैसे जैसे इसका एक्सपायरी नजदीक आएगा वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्ट सस्ता होता जाएगा। बिल्कुल, मैं लेवल्स देता हूँ और रेगुलर तो हमारे कम्युनिटी में चलता है, बट मैं लेवल्स लोग लगभग रोज एक बार लेवल डालता रहता हूँ। सर एक बार विकास जी, एनी प्लान टू स्टार्ट अ पेमेंट ग्रुप, प्रीमियम ग्रुप फॉर क्रूड सर, लाइक यू जनरली यू गिव फॉर ऑप्शंस एंड राइट बैंक निफ्टी, राइट? सो इन द सेम वे एनी प्लान टू स्टार्ट? आई एम गेटिंग वेरी एंगेज एक्चुअली। हम लोग क्या इंडियन इक्विटी मार्केट में बहुत एंगेज होते हैं। यस, फिर शाम को हमारे फिर मेंटरशिप के प्लान्स, हमारे प्रोग्राम चलते हैं, तो थोड़ा सा क्या है ना वो हमारे लिए हो जाता है, बट ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं बट हो नहीं पा रहा है हमसे ये कि शाम को कुछ समझते हैं आपको, बट ठीक है, आई विल टेक, मैं देखता हूं इसमें क्या हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा। Yeah, please take it, sir. Because there are a lot many people, as you said. So once we come from office, return from office, there are a lot many people who want to trade after 6 o'clock. So people who can't do trading in the morning hours, there is a large group of people to interested in crude actually. Right. For those who are engaged in office all the time, he is just free after 5 o'clock. ठीक है सर, मैं एक बात बताऊं सर आपको, मेरे पास काफी ऐसे मेंबर है, मैं नाम नहीं ले सकता इंडिविजुअल सबका, जो शाम को ऑफिस से आते हैं यही करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में करके। बिकॉज देखो, निफ्टी बैंक निफ्टी से क्रूड अच्छा क्यों है बताऊं मैं आपको, एक तो इसका फंडामेंटल बहुत क्लियर है, अगर आपको पता चल गया वर्ल्ड वॉर आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो सीधा है कि क्रूड में बाय करके बैठ जाओ लॉन्ग टर्म के लिए। आप देख लेते हो कि भाई डॉलर इंडेक्स और किसी, मान लो इंडिया में आप देख रहे हो डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए अपना इंडिया इक्विटी में भी ये फर्क पड़ता है, मान लो अब क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है तो आपको ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम IOCL पेट्रोलियम कंपनी में आपको लॉन्ग करने का अच्छा चांस मिलेगा, एशियन पेंट आप ऊपर जाएगा, तो क्रूड ऑयल से आप कैसे इक्विटी मार्केट को मैच कर सकते हो? खाली एनर्जी, देखो एनर्जी इससे किस किस स्टॉक को फर्क पड़ता है, रिलायंस हो गया, तो एनर्जी इंडेक्स को क्रूड के साथ मैप करके आप स्मार्टली इंडियन मार्केट में भी काम कर सकते हो, यू नो। तो क्रूड से आप बहुत सारी चीजें, जैसे होता है ना एक तीर से कई शिकार, तो क्रूड पे मास्टरी करोगे ना सर, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। निफ्टी बैंक निफ्टी में ना अच्छे अच्छे घबरा रहे हैं आज की तारीख में, वो संभाल नहीं पाते हैं। क्रूड निफ्टी बैंक निफ्टी से मैं चैलेंज करके बोलता हूँ कई गुना ज्यादा अच्छा है। अगर मैं किसी एक ऐसे मेंबर से बात करना चाहूँ जो मेरे मेंटरशिप में है मेटावर्स में, लोकेश कुमार जी हैं जो डेली दोनों काम करते हैं। हेलो लोकेश जी, आप हो इधर? सिंह साहब कौन है मेटावर्स से जो बताना चाहेगा कि यस निफ्टी बैंक निफ्टी से क्रूड ज्यादा बेटर है? दोनों सब अच्छे हैं मैं, बट कंफर्टेबल है, कोई है मेटावर्स से? रिलैक्स है, लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से रिलैक्स है, और आपका जो वीकली रहता है और ये पूरा एकदम
करता है। देखिए स्विंग के लिए भी प्रूव ठीक ही है, अगर ये एक मोमेंटम में आ गया तो फिर वो लॉन्ग चलेगा। देखिए आप देखें पूरा पिछला महीना यानी करंट मंथ पूरा लॉन्ग ही गया है, बाय ऑन डिप। मतलब होता क्या ना कि ये फिर कंफर्म है, आपको लगता है कि अब ये करेक्शन दे रहा है तो वहां तक जाएगा, मतलब वो जाता है, फिर वो डिसिप्लिन है, वो जाएगा डिसिप्लिन है थोड़ा। मतलब सर ऐसा ना कि कम रहता है क्रूड, सॉरी सर हरमिंदर, जी जी हरमिंदर जी, यस सर, सर कम वॉलेटाइल रहता है, मैं दो हफ्तों से करता हूँ उसको। वॉलेटाइल तो रहता है बट क्या ना कि सर वो रेंज, मतलब जहां तक हम प्रेडिक्शन करते हैं आराम से एक की तरफ ही चलने लगे। विकास सर एक क्वेश्चन था। यस यस विकास सर, ये WTA का क्या हम लोगों को लिंक मिल सकता है क्या? नहीं लिंक ऐसा कुछ नहीं है, WTA भी एक तरह से आप जो ट्रेडिंग में निफ्टी बैंक निफ्टी टाइप करते हो वो लिंक नहीं, वो चार्टिंग है सर। ये WTA आप जाके टाइप करोगे आपको चार्ट मिल जाएगा, चार्टिंग है ये, चार्ट में आपको मिल जाएगा WTI। आप लिखेंगे ना WTI वेस्टर्न टेक्सास इंडेक्स, ये क्रूड का USD वाला वर्जन है बस। सर सॉरी एक बार फिर से बोलिएगा, वेस्टर्न टेक्सास इंडेक्स WTI T4 तमिलनाडु, I फॉर इंडिया, WTI D फॉर दिल्ली समझ रहे सर। सर हेलो, यस सर, इंडिकेटर्स कौन-कौन से लगाया? देखिए अब आपको मैं वापस नहीं बता सकता, आप ये रिकॉर्डिंग आएगी YouTube पे आधे एक घंटे में, वहां पे देखना मैंने बता दिया है। ठीक है सर, बोलिए रविशंकर जी, बोलिए सर। हाँ सर, सर विकास सर थोड़ा ये इन्वेंट्री से रिलेटेड थोड़ा गाइड करेंगे, इन्वेंट्री डेटा के साथ कैसा? सबसे पहले क्या है, मैंने दो लिंक दिए हैं, रिकॉर्डिंग मिलेंगे, आप दिन में एक बार या दो बार शाम को कभी भी नोटिफिकेशन क्रूड ऑयल के जो न्यूज लेटर्स आते हैं उसको सब्सक्राइब करिए, ओपेक प्लस के भी आते हैं। अब इन्वेंट्री आती है एवरी वेडनेसडे 8 PM के आसपास, एवरी वेडनेसडे। अब जैसे डेटा रिलीज हुआ है अगर इन्वेंट्री सरप्लस हो गई है तो प्राइस या तो नेगेटिव होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी या साइडवेज हो जाएगा। और इन्वेंट्री इन्वेंट्री देखो अभी हाजिर में कितना, और प्रोडक्शन आपको लगता है कि अभी इन्वेंट्री नीचे आ जाती जा रही है, प्रोडक्शन भी कट हो रहा है तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो थोड़ा सा सर आप, मैंने जो लिंक दिया ना वहाँ पे आप रीड करेंगे, एक से बढ़ के एक्सपर्ट, और मैं खुद भी इन्वेंट्री के कुछ ना कुछ अपडेट्स अपने टेलीग्राम में डालता हूँ, तो थोड़ा बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या होता है। ये बहुत आसान है, लोड नहीं। देखो बैंक निफ्टी की कोई इन्वेंट्री, आपको बैंक निफ्टी को मेजर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, 12 बैंक है, खुद बैंक निफ्टी अपने आप स्टॉक है। अब 13 लोगों को मॉनिटर करना है सर, 13 पीपल को मॉनिटर करने से अच्छा है कि एक ग्लोबल बंदे को मॉनिटर कर लो, इट इज लाइक दैट, इट्स वेरी इजी। यू आर बेस्ट सर, एक्चुअली एज यू सेड करेक्टली, सो फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ वीक्स आई एम सीइंग द EIA रिपोर्ट, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ऑफ अमेरिका इज गोइंग डाउन, सो दैट्स व्हाई एवरी फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ वीक्स इट इज इन अप ट्रेंड द क्रूड। यस यस सर, यू आर राइट सर, बिल्कुल। देखिए विकास सर, हां जी हाँ जी, यस प्लीज सर, सेंसेक्स में अगर इस टाइम ट्रेड करने का कैसा होगा, आपको ओपिनियन क्या है सेंसेक्स का? सेंसेक्स अभी लिक्विडिटी बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल सेंसेक्स ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छा है, मैं पर्सनली खुद भी करता हूँ आजकल, क्योंकि सर मैंने उसमें वॉच किया है कि सर सेंसेक्स में आपको जो एक लिक्विडिटी है ये आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा देता है। देखो ऐसा नहीं है, बैंक निफ्टी की भी लिक्विडिटी सबसे बड़ी है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। आपको चाहिए वॉलेटिलिटी तो दोनों मिल जाएगी सर, एक जैसे ही देखो सेंसेक्स को मॉनिटर करना है, वहाँ पे कभी कभी आपको डायरेक्ट लाइव चार्ट नहीं मिल सकता है, तो आप बैंक निफ्टी के मूवमेंट से सेंसेक्स को मैच कर सकते हो। अपना निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो सेंसेक्स भी ऊपर जाएगा, वो नीचे आएगा तो आपके लिए क्या है, फ्राइडे के दिन अगर आपको लगता है 10-10 रुपए में आपको मतलब यू नो 1000-2000 सस्ता वाला यू नो एक्सपायरी वाला गामा मूव लेना है, सेंसेक्स इज वेरी गुड। फिर निफ्टी सेंसेक्स में लिक्विडिटी बहुत अच्छी आ रही है, एंड आई होप कि आने वाले टाइम में मिड कैप निफ्टी में भी काफी लिक्विडिटी आने वाली है। राइट जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक मिनट मंजुनाथ जी, सर प्लीज। यस मंजुनाथ जी, हाय सर, क्रूड ऑयल का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे? एक्चुअली सर इट इज ग्लोबल ट्रेडेड कम्युनिटी, यू विल गेट MCX वेबसाइट पे डेटा मिलेगा, बट आई थिंक इफ यू एक्चुअल में डेटा चाहिए तो अमेरिका से आता है, वो हमारे लिए बहुत महंगा भी पड़ता है, तो इसलिए बोलते हो इसमें प्राइस एक्शन वर्किंग सर, टेक्निकल बहुत अच्छा चलता है इसमें, बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन चलता है, आप प्राइस एक्शन एंड ऑर्डर फ्लो, अगर आप ऑर्डर फ्लो सीख के काम करते हो तो बेस्ट है ये। मैं ऑर्डर फ्लो सिखा के मैं बोलता हूँ ना 100-150 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं डेली, एक ट्रेड में मिनिमम 50-80 पॉइंट्स एक बार मिल जाते हैं, और दो ट्रेड ले ली अपन ने
सर 200 पॉइंट इंक्लूड के निकाल लेना, मतलब आप 800 पॉइंट 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी पर डे, इट्स वेरी बिग। मैं बड़ी बड़ी बात नहीं करूंगा, आपने 80 पॉइंट निकाल लिया ना सर, थ्रू ट्रेड में आराम से निकल जाएंगे, यानी कि 400 300 400 बैंक निफ्टी पॉइंट क्या चाहिए सर शाम को, आराम से शाम को 6 बजे आओ। देखो इंट्राडे कभी भी 5 बजे पहले मत करना, सब सटोरे होते हैं उसमें, बिकॉज क्रूड के अंदर नॉनसेंस ही बहुत है, सटोरे बहुत होते हैं इसके अंदर, ये अलग गेम है पूरा। अगर आपको टेक्निकल इंडिकेटर प्राइस एक्शन ऑर्डर फ्लो, बेस्ट टाइम टू एंटर आफ्टर 6 6 टू 9, दो ट्रेड 100 पॉइंट क्लोज, बस बंद कर दो। सर इसका ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है? 9 एएम इज ओपनिंग, 11:30 पीएम इज क्लोजिंग। ओके सर, अपने ऑर्डर फ्लो के अलावा प्राइस एक्शन भी सिखा रहा है ना? हाँ प्राइस एक्शन भी सिखा रहे हैं, प्राइस एक्शन में हम सब देखो मेटावर्स में प्राइस एक्शन ऑर्डर फ्लो ये वो स्कैनर्स ऑप्शन चेन सब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है सर कोई अलग है, इट इज लाइक ए स्कूल, स्कूल के जैसा प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, आपका सवाल जवाब भी किया जाएगा, एग्जाम भी लिया जाएगा, ऐसा ही है। आप इस तरह से समझ नेक्स्ट एक मैं मेरे को कोई बोला सर मुझे कितना टाइम लगेगा, मैं बोलता हूँ 6 महीना लगेगा, किसी को 4 महीना लगता है, किसी को 1 साल लगता है। सर अपना नेक्स्ट बैच कब चालू होएगा? मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता, देखो मैं चालू हो जाएगा 5 विद इन 10 डेज हो जाएगा, अगस्त से चालू होगा सर। हाँ आ जाएगा, आ जाएगा मेरे साथ। देखो मैंने एक चीज देखी है मेरा, अब मैं कुछ अलग बात करूंगा, रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए बोलूंगा, ट्रेडिंग में अभी नए लोग आते हैं, अच्छी बात है, वेलकम सबके लिए, फिर भी आप देखते हो 90% 95% लूज करके छड़ चले जाते हैं, ये एक प्रोसेस है, आपको उसमें डेली ट्रेड करनी पड़ेगी, ऐसे लोगों के साथ आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा जो डेली ट्रेड करते हैं, विनिंग टीम है, लूजिंग टीम है, जो भी है, ऐसे लोगों के साथ रहो जो बरसों से ट्रेड कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। सर मेरा एक सवाल है, हाई मार्केट में हो रही है, बोलिए केदार जी। सर ये जो इन्वेंटरी डाटा है ना, तो इंडिया में दो है। आपको इंटरनेशनली मिलेगा, इन्वेंटरी डाटा रिलीज करता है इसका आप इसको इंडिया से कोई लेना देना नहीं, इसका इन्वेंटरी डाटा ओपेक का आएगा। सर एक मिनट के लिए वो इन्वेंटरी डाटा का थोड़ा उसके बारे में बोलेंगे तो थोड़ा सही रहेगा, क्यों ना क्रूड ऐसा होता है ना, कौन से पॉइंट पे हमें वॉच करना है इन्वेंटरी डाटा में, इसके बारे में थोड़ा सा सर बता देंगे प्लीज। वो मैंने देखो बताया है, अब ये ऐसा है कि जब नेक्स्ट इन्वेंटरी आएगी तो मैं आपको मैं आने के देखो अभी मैं इसको खाली इतना बता सकता हूँ, डिमांड सप्लाई, सप्लाई कम कर दी है, इन्वेंटरी कम है, इन्वेंटरी कम है, सप्लाई कम है, प्राइस ऊपर जाएगा, सिंपल चीज समझो, सिंपल चीज तो रहेगा। इस बार जो वीकली आएगा मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा आने के बाद, और उस पर एक्सप्लेनेशन लिख दूंगा कि मैंने ये डेटा देख के ये एक्सेप्ट किया है, मतलब एक्सपेक्ट किया है, और ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो वो अब रियल जब आएगा नेक्स्ट में वेडनेसडे को डालने की कोशिश करूंगा। भाई डालना है अब सिंपल, ये काम कैसे करता है, देखो आप दुकानदार हो, आपके पास माल कम है और सप्लाई भी कम है, प्राइस कहाँ जाएगा? ऊपर। आप कोई ऐसा मोनोपोलिस्टिक आइटम है, क्रूड मतलब क्रूड का रिप्लेसमेंट कुछ नहीं हो सकता, फिर क्रूड वाला काम क्रूड में होगा, कोई इंडस्ट्री क्रूड पे चल रही है तो वो क्रूड पे चलेगी, आप ऐसा नहीं क्रूड नहीं है चलो क्रूड खत्म हो गया चलो इसको गैस पे चला दो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं कि यार गाय का दूध नहीं मिला तो भैंस का दूध ले लिया उससे काम चल जाएगा, ये वैसा नहीं है, क्रूड क्रूड ही है, अब क्रूड का रिप्लेसमेंट कोई नहीं हो सकता, अल्टरनेटिव एकदम नहीं हो सकता है कोई। यस आप कर सकते हो, क्रूड का अल्टरनेटिव गैस हो सकता है, बट ये इतना ईजी नहीं है, आप डीजल गाड़ी में पेट्रोल डाल के नहीं चला सकते। अब तो क्रूड की इन्वेंट्री अगर शॉर्ट है और सप्लाई शॉर्ट है और डिमांड इंक्रीज नहीं हुई है तो भी प्राइस जाएगा, बिकॉज टमाटो का देख लो आप, टमाटो की डिमांड इंक्रीज नहीं हुई है, ऐसा नहीं कि बारिश में लोग टमाटर ज़्यादा खाते हैं बट सप्लाई कम हो गई है बारिश की वजह से तो प्राइस ऊपर चला गया। एक केस नंबर टू कि टमाटो की सप्लाई बराबर है, जितना टमाटो प्रोडक्शन में है उतना ही है, बट पता नहीं कोई ऐसा टमाटो नो फेस्टिवल आ गया पूरे वर्ल्ड में जो टमाटो की डिमांड बढ़ा दी तो भी टमाटो का प्राइस ऊपर जाएगा, तो ये डिमांड सप्लाई का गेम है। अब डेटा कैसे रीड करना है उसके लिए मैं वेडनेसडे को आपको लाइव दिखाऊंगा, राइट। चलिए सर, सर ये बात कर रहा हूँ सर, और एक बात सर, ये हिरण भाई बोलिए बोलिए सर। सर ये समझना था कि ये जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग का टाइमिंग क्या रहेगा, और लाइव में अपना इंडियन स्टॉक ट्रेडिंग होगा या फिर कमोडिटी वाले में होगा? सब में होता है सर, हमारा लाइव तो होता है 9:00 से लेकर 3:30 चलता है पूरा, इंडियन इक्विटी निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक सब आता है उसमें, और कमोडिटीज में लाइव नहीं आते बट हमारा लाइव कमेंट्री चलता रहता है टेलीग्राम पे, जैसे हमारा ग्रुप है क्रूड का।
ओके मतलब ट्रेनिंग आप दोगे जो भी है लाइव है शाम को ही दोगे बिल्कुल 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 टाइमिंग टाइमिंग क्या होगा हाँ जी टाइमिंग सर 6 बजे बाद ही होता है सर जनरली क्रूड में सर नहीं नहीं ट्रेनिंग आप ट्रेनिंग कब दोगे ट्रेनिंग 9:30 इन द इवनिंग ऑफलाइन 9:32 छोड़ी दो चार्जेस है उसके लिए के कुछ हेलो सर उसके लिए आपको मिल जाएगा वहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आई थिंक मेरे को ये वेबिनार जो है ये ट्रेनिंग की जो है ना मार्केटिंग उसके अलावा कुछ करना है हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा सर चार्जेस भी ये मेरा नंबर भी है अगर मेरे से पर्सनली बात करने की कोशिश करूंगा मैं जवाब देने की मैंने मेरा नंबर भी डाल दिया सर ट्रेडिंग करने का टाइम चार्जेस भी कैसा क्या है सागर सर जैसे अरे केदार जी आप कितने सवाल पूछ रहे बोलिए सर सागर सर क्या बोल रहे ऐसा होता है डाटा प्रोजेक्ट केदार जी मैंने सबको म्यूट किया है अभी ठीक है अभी टेलीग्राम में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आप चाहो तो इधर देख सकते हो यस मिस्टर असद प्लीज सर मिस्टर असद यू कैन आस्क योर क्वेश्चन मैं एक एक करके सवाल लूंगा आराम से सबके सवाल लूंगा यार चलो विकास सर यस असद जी हाँ सर ये आप जो ऑर्डर फ्लो एनालाइज करते हैं सर हाँ सर आप कहाँ से एनालाइज करते हैं सर अब देखो सर ये मैं अभी तो यहाँ नहीं बता पाऊंगा मैंने वीडियोस यूट्यूब पे डाल रखे हैं आप हमारे यूट्यूब पे गए हो कभी असद भाई सर बहुत बार गया सर बहुत आपके तो वीडियो सर वेट करता हूँ सर तो सर वहाँ पे सब कुछ गो चार्टिंग सब कुछ मैंने बता रखा है आप उस पर जाइए बिल्कुल आपको मिल जाएंगे एंड ओके सर कितना टाइम देना सर ये चीज सीखने के लिए अप्रॉक्स समथिंग टेक्निकल सीखने के लिए नहीं मैं ट्रेडिंग चला रहा हूं मैं बिना ऑर्डर फ्लो के भी ट्रेडिंग कर सकता हूं आपको लगेगा कम से कम 6-8 महीना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर हमारे साथ जुड़ते हो तो बाकी डिपेंड आप कितना लर्निंग कर पाते सर बेसिक सर बेसिक अगर सर पैटर्न्स वगैरह सर मार्केट तो 3-4 महीना लगेगा मेरे साथ प्रैक्टिस देखो मैं मानता हूँ प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं तभी जाके बात बनेगी ठीक है यस सर सर ये जो 3:30 बजे ट्रेडिंग होती है और बैंक निफ्टी का इसके बाद जो बैंक निफ्टी के उसको अभी मैं बैंक निफ्टी के ऊपर नहीं मैं क्रूड के ऊपर बात करना होगा और 3:30 बजे की अगर आप बात कर रहे हो मैं समझ गया ऑप्शन चेन के अंदर देखना पड़ता है अब उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ये बहुत लंबी स्टोरी है वो लाइव में ही सिखा पाऊंगा मैं आपको कि शॉर्ट कवरिंग आएगी या लॉन्ग ट्रिप होगा या शॉर्ट ट्रिप होगा वो पूरा गेम जो है आपको मैं अभी इतने छोटे टाइम में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैंने ऑप्शन चेन का एक वीडियो बना रखा है उस पे जाके आप देख सकते हो पूरा डिटेल में बता रखा है थैंक यू यस मिस्टर रॉय जी एपिसोड क्या होगा सर एपिसोड आप कौन हाँ जी यूट्यूब पे आपको वो पढ़ा होगा ना सर पढ़ा है बिल्कुल ऑप्शन चेन का वीडियो देख लीजिए उसमें मिल जाएगा ओके मैं फटाफट अब सब क्वेश्चन लूंगा मिस्टर रॉय यस सर सर गुड मॉर्निंग सर हाय गुड मॉर्निंग सर मैं पूछना चाहता हूँ सर क्रूड में मान लीजिए मैं रिवर्स में बाई करना चाहता हूँ तो उसमें डेल्टा कितना हो डेल्टा कितना होना चाहिए कौन सा डेल्टा ऑप्शन का डेल्टा या ऑर्डर फ्लो का डेल्टा निफ्टी में मान लीजिए मैं डेल्टा 50K का होता है तो मैं कंफर्म होता हूँ जो मार्केट ऊपर जाना चाहिए अगर क्लास नहीं ऐसा नहीं है देखिए ऐसा नहीं है डेल्टा से मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा मुझे नहीं पता ये कितना एक्यूरेट है अगर आप डेल्टा देख के बाय कर रहे हो तो 0.75 डेल्टा वाला कॉन्ट्रैक्ट बाय करिए और सर एक चीज बताऊं मैं आपको आप खाली डेल्टा देख के मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जा रहे हो इससे अच्छा पुट कॉल रेशियो देख लो डेल्टा से आपको पता नहीं चलेगा रिवर्सल 2 मिनट में आएगा मतलब आप लॉन्ग पोजिशन लोगे 50 पॉइंट ऊपर तो जाएगा बट वो 300 पॉइंट जब गिरेगा पता भी नहीं चल पाएगा तो डेल्टा में वो एक्यूरेसी नहीं है कि मार्केट के डायरेक्शन को गेज कर पाए ये मैं पर्सनली बोलूंगा आपको सर राइट चलिए सर प्रतीक भाई मिस्टर प्रतीक बोल रहा बोलिए जी प्रतीक जी सर आपका सवाल पूछिए या मिस्टर प्रतीक प्लीज यू कैन आस्क योर क्वेश्चन क्विकली माइक म्यूट करके रखा है क्या आपने चलिए सर ब्रांड क्रूड ट्रेड होता है या नहीं होता है हाँ जी ब्रांड क्रूड बिल्कुल होता है ब्रांड क्रूड भी ट्रेड होता है बट हमको अगर $4 जो होता है ना डॉलर सबसे ज्यादा ट्रेड होगा
तो अब वो एक लॉन्ग स्टोरी है, बट ये है कि डब्ल्यू टी आई और इंडियन को मैच करके चलिए, राइट? चलिए, ओके। हम जो ट्रेड करने वाला वो डब्ल्यू टी आई में करना पड़ेगा? नहीं, अरे खाली मॉनिटर करने को बोला, ट्रेड तो M6 में करना पड़ेगा ना मेरे भाई, क्रूड ऑयल में। खाली डब्ल्यू टी आई के नोटिस करके रखो, उसके लिए देखना है, बाकी डब्ल्यू टी आई को बार बार चढ़ के मत देखो, देखो क्रूड का चार्ट, बट डब्ल्यू टी आई पे कोई इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, खाली उसका ध्यान रखने के लिए देखना है, राइट? यस मिस्टर प्रसाद, मिस्टर प्रसाद, यस सर। देखिए सर, मैं अगर ये बताना चाहूँ, मैंने सेटअप कैसे लगाते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसके अंदर डेल्टा का अलग से बना रखा है, मार्केट प्रोफाइल का अलग बना रखा है, तो वो मैंने वीडियो सर यूट्यूब पे बना रखे हैं, आपको अगर डिटेल में जानना है तो वहाँ जाएंगे, ज़्यादा ईजी रहेगा सर। और टेम्पलेट जो है क्रूड के, मैं टेलीग्राम में शेयर करने की कोशिश करूँगा, दे दूंगा मैं आपको, राइट सर? ओके जी सर, हेलो, यस सर। सर मैक्सिमम टाइप इन्वेंटरी में ऐसा होता है ना, तो डाटा पॉजिटिव है तो क्रूड ऑयल ऐसा होता है नीचे 150 पॉइंट जाके ऊपर फिर आ जाता है। देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, आपको खाली इन्वेंटरी से, देखो आप कुछ मत करो, इन्वेंटरी को लेके चलो कि ये मार्केट डिप मिलेगा तो मुझे बाय करना है। अब आप ये मत सोचो कि इन्वेंटरी रिलीज हुई है और उसके बाद वो सीधा ऊपर जाएगा, नहीं, इन्वेंटरी रिलीज करके वो पहले से एक्शन आ जाता है। आपको ये देखना है कि इन्वेंटरी पॉजिटिव है तो मुझे डिप में बाय करना है आपको। अब ये नहीं कि आपने डेटा देखा, 8 बजे डेटा रिलीज हो गया, 7:30 बजे इंटरनेशनल लेवल पे आपको लेट मिला, तो डायरेक्ट इन्वेंटरी से मैं मानता हूँ ट्रेड मत करो, नए लोग। आपको नीचे मिल रहा है इन्वेंटरी पॉजिटिव, बाय ऑन डिप करना है। अगर वो इन्वेंटरी पॉजिटिव और नीचे गिर रहा है, मतलब आपको चांस मिल रहा है नीचे से बाय करने का, क्योंकि आप वो माइंड सेट से बात करोगे, आपको ब्रेकआउट पे बाय करना है, ब्रेकआउट पे बाय नहीं करना है, नीचे से बाय करना है, उसके लिए आपको एक कम्फर्ट रहेगा। अब कुछ दिन आप मॉनिटर करेंगे तो पता चलेगा, इन्वेंटरी नेगेटिव थी फिर भी प्राइस ऊपर चला गया, मार्केट लिक्विडिटी लेने दोनों तरफ जाएगा, ठीक है? बड़े प्लेयर बोलते हैं कि चलो इन्वेंटरी पॉजिटिव है मुझे नीचे से लाके दो, तो बड़ी क्वांटिटी जो ट्रेड होगी वो नीचे से लिक्विडिटी लेने जाएगी, तो इसके लिए अगर आप साथ में लिक्विडिटी स्वैप वगैरह इसका नॉलेज रखते हो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, राइट? चलिए मैं सबको एक बार वापस म्यूट करूंगा। ओके, एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? सर विनय जी। हाँ विनय जी, हेलो। हाँ सर, मेरे को पूछना था कि आप बोले थे कि क्रूड काफी प्राइस एक्सेप्ट को रिस्पेक्ट करता है, मतलब एक अच्छा जाता है और लॉन्ग या शॉर्ट जो भी है, तो आपके कहने का मतलब ये हुआ कि बैंक निफ्टी जैसे 50-100 पॉइंट अचानक से गिर जाता है या उड़ जाता है ऊपर, तो उसमें ज्यादा रहते हैं, इसमें ऐसा नहीं होगा? और दूसरा ये है ना कि इसको मैनिपुलेट, जैसे बोलते मैनिपुलेशन जैसे कोई चीज नहीं होती है, बट ये होता है कि बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा ट्रेड होती है ऑप्शन के अंदर, और क्रूड में सबसे ज्यादा ट्रेड होती है फ्यूचर्स के अंदर। तो ये स्टेबल, ये अगर इसने एक मूवमेंट देना चालू किया है तो ये चुपचाप ऊपर जाएगा, सिंपल डिसिप्लिन। निफ्टी बैंक निफ्टी जितना, खास करके बैंक निफ्टी जितना आपको वो परेशान नहीं करेगा, फटाक से आपको एक साथ 100 पॉइंट तोड़ के फिर 200 पॉइंट ऊपर ले गया, ऐसा बहुत कम होगा। ये इजी है, जो बैंक निफ्टी से थक गए हैं, परेशान हो गए, उनके लिए क्रूड बेटर ऑप्शन इन द इवनिंग। यस प्लीज, एनीथिंग और भी किसी का हो तो बस ये क्लोज हो जाएगा 3-4 मिनट में, और ये वीडियो में डाल दूंगा यूट्यूब पे, आपको ये सेटअप जो दिया है मैंने वो वापस आप देख लीजिएगा, यूज करके देखो, मजा आएगा। यस बोलिए महेश जी। जी गुड आफ्टरनून सर। या हाय, गुड आफ्टरनून सर, मैं 18 बैच का मेंबर हूं सर, महेश जोशी बात कर रहा हूं। यस यस सर, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर डेली आप लाइव। हां वैसे ही सर, 1 वीक में कभी कभी क्रूड का भी लाइव अपर ट्राई है तो सर आते हैं, देखो भी मंथ में 2-3 बार आ जाते हैं, बट हम लोग चालू कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं क्रूड के ऊपर एक छोटा सा कोर्स निकाला, छोटा वाला 5-6 तो आप लोग को तो वैसे ही आना है, पुराने मेंबर तो वैसे ही फ्री में आने वाले मेरे पास हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल महेश जी, आई विल टेक केयर फॉर दैट। यस थैंक यू सर। सोच रहा हूँ मैं सबके लिए एक बार इवनिंग में 5-6 दिन का क्रूड का एक सेशन चलाता हूँ, आना है किस किस को आना है, चलो कितना लोग आना चाहते हैं? सर मैं तो आना चाहता हूँ। सर मैं आना चाहूँ। चलो डन डन डन। मैं आना चाहता हूँ।
अगली बार सोचते हैं नेचुरल गैस पे कुछ प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, नेचुरल गैस की कुछ अच्छी स्ट्रेटेजी लेके आता हूँ। नेचुरल गैस में मेरे पास कैंडल ब्रेकआउट की बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है जो मैं अगले वेबिनार में शेयर करूंगा। खाली वो कैंडल ब्रेकआउट भी पकड़ लेना तो भी आपका काम अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एंड और भी ज़्यादा इंक्वायरी और है, आपको कुछ और क्वेश्चन है तो यू कैन कॉन्टेक्ट द टीम, दे विल सेंड यू द होल डिटेल्स, राइट। एंड आई एम यू कैन ठीक है, यहाँ पे आपको टेलीग्राम में लिंक भी मिल जाएंगे, राइट। एंड आई एम अगेन थैंक यू वेरी मच ऑल, तो सभी को कि भाई आपने मुझे ज्वाइन किया एक घंटे के लिए। आई होप क्रूड पे आपको एक बेसिक नॉलेज मिला है और ये काम आएगा आपको। प्रैक्टिस करते रहिए, नए लोग हैं उनको खास करके बोलूँगा बिल्कुल छोटे छोटे क्वांटिटी से प्रैक्टिस करिए। ऑप्शन में पैसा नहीं बन रहा है अभी, बोल रहा हूँ कि 200 से 300 इंट्राडे ट्रेड लीजिए कैश में, अपने एक्यूरेसी को बढ़ाइए, उसके बाद बड़ी क्वांटिटी में जाइए, धीरे धीरे चीज़ें आसान हो जाएगी। सेटअप पकड़ लो अच्छे वाले, उस पर प्रैक्टिस करो, रोज नया सेटअप, रोज नई जगह जाके नया ढूंढना वो बंद करो। अगर आपको लगता है ना कि प्रैक्टिस नहीं करी और आप रोज कुछ ना कुछ ढूंढते रहे मार्केट में, ऐसा कुछ मिल जाए तो मुझे रातों रात, ऐसा नहीं मिलने वाला है। वो चीज़ मिलेगी भी ना तो भी प्रैक्टिस मांगेगी, तो ये एक सत्य वचन है मैं जो बोल रहा हूँ। और अगर मेरे साथ डेली रहना है, मेरे साथ एक साल तक डेली रहना है लाइव ट्रेड में, निफ्टी बैंक निफ्टी क्रूड में भी चालू कर दूंगा थोड़े दिन में अगर होगा तो आइए मेरे पास। बाकी सारा ज्ञान मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है, राइट। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच, यू विल गेट दिस रिकॉर्डिंग, ऑल द बेस्ट, हैप्पी संडे, बाय बाय।